whole number, success and ratios of natural number, addition, subtraction and multiplication on the number line. ये सारा first topic है. Whole number and natural number हम लोग इसके first chapter में integer में हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी repeat करते हैं. Natural number किसको कहते हैं? The counting numbers 1, 2, 3, and 4 are called natural numbers. The whole number, a collection of a natural number along with zero are called whole number. Natural numbers or whole number हम दोनों ये दोनों topics हम लोगों ने first chapter में पढ़ चुके हैं. फिर क्या है successor and predecessors of a natural numbers. Natural numbers का successor and predecessors numbers करना है. Successor मतलब before and predecessors मतलब sorry predecessors मतलब before and successor मतलब after. For example यहाँ पर नंबर है 15, ओके 15 का सक्सेसर, 15 इज अ नेचुरल नंबर, राइट? तो 15 का सक्सेसर कितना होता है? 16, मतलब ये 15 के बाद क्या आता है? 16. सेम वे 15 का प्रीडिशन, तो 15 के पहले क्या आता है? 14. यहाँ पे तो सारे छोटे डिजिट हैं, बट यहाँ पे आपको तो क्या आएगा? बड़े डिजिट में करना पड़ेगा. सक्सेसर एंड प्रीडिशंस ऑफ अ नेचुरल नंबर्स. नाउ द लास्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन. यहाँ पे आपको क्या करना है? एडिशन करके उसको नंबर लाइन पे आपको दिखाना है. देन आफ्टर सब्सट्रैक्शन आल्सो, पहले आपको सब्सट्रैक्ट करना है और फिर नंबर लाइन पे आपको उसको दिखाना है. चलो एग्जांपल लेते हैं. Now see, the first one is
सॉरी फॉरवर्ड जाना है, कि आपको पीछे जाना है, लेफ्ट साइड। कितना लेफ्ट साइड जाना है आपको? थ्री। तो वन टू एंड थ्री, तो फाइव से लेके टू तक। तो ये हमारा आंसर आया टू। तो आपको ये याद रखना है, एडिशन में आपको वो आगे जाना है और सब्सट्रैक्शन में आपको क्या करना है? पीछे आना है। और एक एग्जाम्पल, फोर फ्रॉम टेन, तो टेन में से हमें कितना माइनस करना है? फोर। तो आंसर कितना आएगा? सिक्स। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। What is a natural number? Natural number किसको कहेंगे? The counting number, one, two, three,
इसका क्या फाइंड करना है, सक्सेस। ओके, सक्सेसफुल मतलब आफ्टर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आफ्टर में बॉडी लेजी है, उसके बाद क्या है, तो क्या करना है, सक्सेसर मतलब प्लस वन एंड प्रीशियस मीन्स माइनस वन। तो 3,240 तो इसका आंसर क्या आएगा, 3,241 क्योंकि 40 के बाद क्या आता है, 41। फिर दूसरा डिजिट है 40,99,999। इसका फाइंड क्या करना है आपको, प्रीडिशियस फाइंड करना है। प्रीडिशियस मतलब माइनस वन, माइनस वन भी कर सकते हो या फिर लास्ट टू डिजिट के पहले डिजिट कौन सी आती है वो लिखना है। 40,99,999 के पहले क्या आता है, 98। तो ये हुआ प्रीडिशियस। नेचुरल नंबर का आपको क्या करना है, सक्सेस आएगा प्रीडिशियस। ओके, आई होप कि आपने एक सारे टॉपिक्स लिए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। Thank you.
4796. ये हुए जस्ट बिफोर होल नंबर्स, मतलब ये होल नंबर्स यहाँ पे नंबर हुए हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट होल नंबर. क्वेश्चन 2 में सी भी आपको अपने आप करना है. क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट होल नंबर. हाँ, लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा वाला है? तो होल नंबर किसको कहते हैं? 0 से लेके 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी नंबर्स आएंगे, मतलब कि सो ऑन. ओके, तो इसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर कैसे पता चलेगा? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है. आपको लिखना है लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर does not exist. Okay, फिर है क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5. Write the successor of. हमने पहले ही टॉपिक में क्लियर किया था.
और सी होमवर्क में करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. राइट द ब्रिटिश ऑफ फर्स्ट वन 567,000. ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका ब्रिटिश फाइंड करना है. अब देखो 567,000, तो 67,000 के पहले क्या आता है, अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है तो कोई डाउट नहीं है, बट 67,000 आपको पता नहीं चल रहा तो क्या करना है, माइनस वन कर देना है. देखो अगर माइनस वन करोगे तो यहाँ पे 10, 9, 6 और 6 का 6, 566,999. इसका आंसर रहेगा 566,999. ओके, तो ये हुआ इसका प्रेडिक्शन. उसके बाद है बी एंड सी. बी एंड सी आपको क्या करना है, अपने आप करना है. ओके, तो आपका होमवर्क है, होमवर्क में लिखना है चैप्टर नंबर 2 डिफाइन होल नंबर, नेचुरल नंबर और एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी इन आउटपुट एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बी